solve the following means, solve means here we have to find the value of x. We have to find the value of x. Now, this 4x, 4x, this comes. To find the value of x, we have to remove first 5, then 4. Now, first we are trying to remove this plus 5. How can we remove this plus 5 from this algebraic equation? Now, to remove this, usko hatane ke liye plus 5 ko माइनस 5 कर देने से ये जीरो बन जाएगा. कैसे? 5 माइनस 5 जीरो हो जाएगा. इसीलिए प्लस 5 को हटाने के लिए माइनस 5 लेना पड़ेगा. मतलब यहां में जो नंबर है उसी नंबर को ही लेंगे और यहां में प्लस है माइनस. प्लस होने से माइनस, माइनस होने से प्लस लेना पड़ेगा. अभी देखा ये तो सेम है लेकिन माइनस 5 को में एक्सेस यहां में लिखा. तो यहां में एक्सेस लिखा है तो इक्वल बना के रखने के लिए माइनस 5 को इधर में भी लिखना पड़ेगा. यहां में जो है उसी नंबर को ही राइट साइड में जो नंबर है इसका साथ लिखना पड़ेगा. तो हम क्या क्या एडेड टू बोथ साइड, बोथ साइड में मैं क्या लिखा? माइनस 5 लिखा. ये माइनस 5 को इसमें लिखना पड़ेगा. माइनस 5 मैंने बोथ साइड में लिखा तो ये तो कैंसिल आउट हो गया. 5 माइनस 5 इज 0 बन गया. तो रह गया हम लोग का ये 4x, ये 4x आ गया. तो 17 माइनस 5 कितना होगा हम इसको लिखेंगे. अभी x का वैल्यू निकालने के लिए x को अकेला रखना पड़ेगा. मतलब x का साथ और 4 देखा तो 4 को हम लोग हटाना पड़ेगा. कैसे हटाएंगे? तो 4x को लिख के x का साथ जो भी हो उसको ही हम लोग डिवाइजर करेंगे. x का साथ 4 है इसलिए 4 को लिखा. x का साथ 3 होने से 3 को लिखने से ये काट हो जाता है. मतलब जो नंबर है उसी नंबर को ही हम लोग नीचे में लिखेंगे ताकि वो काट होके सिर्फ x रह जाएगा. तो 12 तो 12 आ गया. तो इक्वल का लेफ्ट साइड में हम लोग 4 से डिवाइड किया है तो राइट साइड को भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा. जिस नंबर को लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड करेंगे उसी नंबर से ही हम लोग राइट हैंड साइड का क्वांटिटी को भी डिवाइड करेंगे. डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे. तो हम लोग क्या किया? डिवाइडिंग बाय 4 क्या हो गया? डिवाइडिंग बाय 4, 4 से डिवाइड किया तो ये तो कैंसिल आउट हो गया. कैंसिल आउट करने के लिए हम लोग यहां में x का साथ जो कोएफिशिएंट है उसी कोएफिशिएंट को हम लोग लिया है. कोएफिशिएंट जो भी हो उसी नंबर को ही हम लोग लेंगे, दूसरा नंबर नहीं लेंगे. दूसरा नंबर क्या नहीं लेंगे? तो x सेपरेट हो गया तो 12 को 4 से डिवाइड करने से कितना होगा? 3 होगा. तो 3 है हम लोग का आंसर है. ई 3x plus 17 is equal to 32. This 32 comes here equal equal 17 this. Now 3x का साथ प्लस 17 है तो प्लस 17 बाद में 3 को भी हम लोग रिमूव करके करके फाइनली x को सेपरेट करेंगे, सिर्फ x को.
प्रिया में प्लस 17 है, फर्स्ट प्लस 17 को ही हम लोग हटाएंगे। प्लस 17 को हटाने के लिए यहां में प्लस 17 के साथ माइनस 17 लिखने से ये जीरो बन जाएगा। ये जीरो बनने के लिए हम लोग यहां में जो नंबर है उसी नंबर को लिखेंगे। यहां में जो नंबर है उसी नंबर को लिखेंगे और यहां में प्लस है तो यहां में माइनस लेना पड़ेगा। तो 17 माइनस 17 इज जीरो बन गया, मतलब 3x आ गया। लेकिन यह में ये तो है लेकिन ये माइनस 17 एक्सेस हो गया ना, ये माइनस 17 को इधर में भी लिखना पड़ेगा। इक्वल का राइट साइड में भी माइनस 17 लेना पड़ेगा। इसीलिए एडेड टू बोथ साइड्स क्या किया हम लोग, माइनस 17 किया तो ये आ गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया, मतलब जीरो बन गया। 17 माइनस 17 इज जीरो, नथिंग। तो 32 माइनस 17, 12 माइनस 7 इज कितना, 5। तो ये 2 माइनस 1 इज 1 बन गया। नाउ 3x, x का साथ और 3 है तो 3 को वो हम लोग हटाएंगे। 3 को हटाने के लिए हम लोग यहां में 3 से डिवाइड करने से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब x का जो कोएफिशिएंट है उसी नंबर से ही हम लोग डिवाइड करने से ये सिर्फ x रह जाएगा। इसीलिए हम लोग x का जो कोएफिशिएंट है उसी नंबर से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3x को 3 से डिवाइड किया है तो राइट साइड को भी ऐसा नहीं छोड़ सकेगा, राइट साइड को भी ऐसा 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। ये 3 किसको डिवाइड करेगा, राइट साइड में जो नंबर है उसी को डिवाइड करेंगे। तो बोथ साइड हम लोग क्या किया, 3 से डिवाइड किया, इसलिए डिवाइडिंग बाय 3 लिखा। तो ये तो कैंसिल हो गया। कैंसिल करने के लिए x का साथ जो कोएफिशिएंट है उसी नंबर से ही 3x को डिवाइड किया है, तो x सेपरेट हो गया। तो उसी x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग ये सब ड्रामा करना पड़ा। तो 15 को 3 से डिवाइड करने से 5 है, ये है हम लोग का आंसर।